इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू निकालना ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। जब भी हम ये बोलते हैं कि किसी भी बॉडी कंडक्टर के अंदर चार्ज है वॉल्यूम वाइज, तो रूल नंबर वन वो कंडक्टर नहीं हो सकता, वो हमेशा नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर ही होगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी भी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। आप जब बुक्स पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो बुक वाला लिखेगा एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर द स्फीयर इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप घर जाके सोचेंगे यार इसको कैसे पता लगा, डायग्राम देखते ही नॉन कंडक्टिंग है, मेरे को तो नहीं पता लगा, स्फीयर देखते शक्ल कैसे बताती है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कैसे? अंदर चार्ज है, जब भी चार्ज अंदर छुपा होगा वॉल्यूम के वो कंडक्टिंग हो ही नहीं सकता, वो पक्का नॉन कंडक्टिंग है। ठीक, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पता लगता है कि नॉन कंडक्टिंग है, नहीं तो डायग्राम से कैसे बता दे, शक्ल तो ना बता दोगे नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग है। ठीक, तो मान लो ये जो है एक वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने करेक्शन करवाई थी, यहाँ चार्ज हटाने को कहा था क्योंकि चार्ज सरफेस एरिया के ऊपर नहीं है, चार्ज वॉल्यूम के अंदर, ये हटा लेना ऊपर वाला चार्ज नहीं है इसमें। अब चार्ज जब वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हमने डिस्कस किया था उसमें डेंसिटी क्या यूज करते हैं, रो। रो का मतलब है कितना चार्ज है और कितने वॉल्यूम के ऊपर है, कितना चार्ज है क्यू, कितने वॉल्यूम के ऊपर है 4/3 πR³, इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इसके अंदर करेक्शन कर लेना, इस चार्ज को आपने नहीं बनाना क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वॉल्यूम वाइज है, सरफेस एरिया वाइज नहीं है। ठीक है, करेक्शन क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर। तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आपको ई की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो केस नंबर वन, इसमें रेडियस को बहुत ध्यान से देखना है, स्मॉल आर कैपिटल आर के अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो सपोज करो मेरे को ई कहाँ निकालना है, इस सॉलिड स्फीयर के बाहर निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से छोटे आर डिस्टेंस दूर जहाँ ई निकालना है वहाँ कंसिडर करो एक स्मॉल गॉशियन सरफेस डीएस। अब स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, अंदर भी बाहर भी, तो गॉशियन सरफेस क्या बनेगी, इमेजिनरी स्फीयर। तो रेड कलर की इमेजिनरी स्फीयर की सरफेस है ये, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी है। और हमेशा की तरह डीएस भी बाहर है, ई वेक्टर भी बाहर है, ई और डीएस में एंगल क्या है, जीरो। तो हम फ्लक्स किसका निकालते हैं, गॉशियन सरफेस का। तो ये रेड कलर की गॉशियन सरफेस का स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डीएस कॉस जीरो, क्योंकि ई और डीएस में एंगल क्या है, जीरो, तो ई डीएस कॉस जीरो। टोटल फ्लक्स क्या होगा, दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में फाइ इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब डीएस ये पोर्शन है, डीएस 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 कंबाइन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 4π r² स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉशियन सरफेस का रेडियस छोटा आर है, तो डीएस डीएस मिला के स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट क्लियर है स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहां तक क्लियर है फ्लक्स। फ्लक्स किसका निकला, रेड कलर की गॉशियन सरफेस का, जिसका एरिया 4π r² है, इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, ये करने की जरूरत क्या थी, मेरे को बताओ कि चार्ज कितना है टोटल इस गॉशियन सरफेस के अंदर, मैं उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा देख इतना है जहां मेरा हाथ है वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, तो कहते हैं ठीक है इस गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स आ जाएगा। अब कितना चार्ज है यहां पे, क्यू इनसाइड, क्यों इनसाइड चार्ज है, ये रहा ये क्यों चार्ज था, हमने डिसाइड किया था कितने वॉल्यूम पे, 4/3 πR पे, स्मॉल आर पे चार्ज नहीं है, चार्ज कितने रेडियस पे है,
कैपिटल आर पे। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, रो इंटू 4/3 पाए कैपिटल आर क्यूब स्मॉल। ध्यान से, जो फ्लक्स निकलता है वो रेड कलर की सरफेस का है, वो स्मॉल आर से निकलता है, तो एरिया स्मॉल आर स्क्वायर है। लेकिन जो फ्लक्स निकलता है गॉस थ्योरम से, उसमें क्यू इनसाइड लेना है, और जो क्यू इनसाइड है वो इतने वॉल्यूम का है, इतने वॉल्यूम का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाए कैपिटल आर क्यूब। ये स्मॉल आर कैपिटल आर का चक्कर समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो इन दोनों फ्लक्स निकालने के तरीके इक्वेट करके आंसर, तो ई की वैल्यू आउटसाइड दिस स्फीयर इसके इक्वल है। सरफेस के ऊपर अगर निकालना है तो छोटे आर को कैपिटल आर पुट कर देंगे, कैंसिल करके सरफेस के ऊपर ये ई आएगा। अगर आपको इस स्फीयर के अंदर ई निकालना है, इनसाइड निकालना है, तो एक काम करो, अब इनसाइड स्मॉल आर डिस्टेंस दूर गॉसियन सरफेस लो। अब गॉसियन सरफेस अंदर बनेगी तो डीएस 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 कंबाइन करके गॉसियन सरफेस ये अंदर छोटी बनेगी, जिसका रेडियस क्या होगा, बड़ा आर की छोटा आर, छोटा आर, ये देखिए छोटा आर। तो इसका स्मॉल फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे ई डी एस में, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस में, 4/ छोटा आर की बड़ा आर, छोटा आर, क्योंकि गॉश ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो गॉसियन सरफेस का है, रेड कलर की सरफेस, और इसका रेडियस क्या है, छोटा आर। तो एरिया क्या पुट करेंगे, 4/ छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि वैसे भी डी एस इसका पोर्शन है, डी एस स्मॉल आर का, तो यहां पर क्या आएगा, 4/ स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो फ्लक्स आ गया। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, ऐसे फ्लक्स निकालने की जरूरत क्या है, ये बताओ मेरी गॉसियन सरफेस कहाँ है, ये रही रेड कलर की, इसके अंदर कितना चार्ज है, मैंने कहा बस इतना सा चार्ज है, सारा चार्ज नहीं है, बस जहां मेरा हाथ है उतना चार्ज है। तो जहां मेरा हाथ है उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाए स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो बस इतना ही है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर का चार्ज लेना है, इसके अंदर के चार्ज में 4/3 पाए स्मॉल आर क्यूब, ये देखो। तो क्यू इनसाइड क्या आएगा, रो इंटू 4/3 पाए स्मॉल आर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली डेरिवेशन में शेल में 4/3 पाए कैपिटल आर क्यूब था, तो आप याद नहीं कर सकते, आप ये देखेंगे गॉसियन सरफेस कहां पर है, तो जहां गॉसियन सरफेस ये रही, इसके अंदर के चार्ज में अंदर का वॉल्यूम लेना है, जो कि 4/3 पाए स्मॉल आर क्यूब है, इंपॉर्टेंट ये, यहां ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, क्लियर है यहां तक? पर हम याद नहीं कर रहे ना, जहां गॉसियन सरफेस हम तो वही वॉल्यूम ले रहे हैं, जहां गॉसियन सरफेस हम तो उसी का एरिया ले रहे हैं। दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेट करके कैंसिल होगी टर्म्स, ये आंसर आएगा। तो इन तीनों फॉर्मूलाज को अगर कंबाइन करें, तो फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, पहला ये डायग्राम बनाते हुए एक बार ये भी देख लें, उसके बाद नोट करें कि जब हमने कोई भी एक सॉलिड स्फीयर लिया, इस सॉलिड स्फीयर के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकाला, तो ये फॉर्मूला लिखना है। इंपॉर्टेंट देखें, रो को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको सिंप्लीफाई किया, 3 से 3 कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास वही आंसर आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब आप न्यूमेरिकल में ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल रो की फॉर्म में है तो ये लगेगा, नहीं है तो इस फॉर्म में लगेगा। और सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला नोट करें, और स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करके ये नोट करें, एक ही बात है, और सरफेस के अंदर इनसाइड में ये नोट करें, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, आपके सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आता है, और मेंस और नीट में तो यूज होना ही होना है इसमें। तो तीनों ये पांचों फॉर्मूला अपने कॉपी में फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, डायग्राम के साथ इसे नोट कर लें प्लीज, और साथ में एक चीज और देख लें, फिर नोट कर लेना कि अगर आप बाहर ई निकालते हैं सरफेस के, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर है, और अगर आप अंदर निकालते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। तो ये पेपर में मार्क करने को आएगा, ई वर्सेस स्मॉल आर। तो इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और आउटसाइड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो ये प्लीज फॉर्मूलास को नोट कर लें, ये नोट करें 1, 2, 3, 4 और 5, ये कैलकुलेशन ना करें।